हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज जिस कार का हम ओनरशिप रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ये कार ने टाटा की जो कमबैक हुई थी उसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था और ये कार आज भी टाटा की टॉप सेलिंग कार में से है। हाँ, आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं गाइस। आज हम ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन का, एंड जिनका हम एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहते हैं, चलिए आप उनसे मिलाते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे टाटा नेक्सॉन के ओनर मिस्टर हरीश सिंह से। ये हमारे प्रिय मित्र में से एक हैं, एंड ये गाड़ी जो ये ओन कर रहे हैं, सर आप पहले कुछ अपने बारे में बताइए, लाइक कि आप क्या करते हैं एंड ये टाटा नेक्सॉन आपने कब परचेस करी? मेरा नाम हरीश रावत है और मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब, और ये गाड़ी मेरे भाई ने खरीदी है, हमारी फैमिली कार है। तो सर ये कार आपने कब परचेस करी है, कितना टाइम हो गया इसको परचेस किए? 21 में खरीदी थी हमने, जुलाई 2021 में। आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ हो रही है, तो हम जो बाकी का रिव्यू है हम कार के अंदर चल के ही शेयर करते हैं। एंड शेयर करते हैं आपसे कि हरीश जी को इसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका, और कितने टाइम से वो इसको ड्राइव कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आई है उनको इस कार के साथ, एंड क्या वो इस कार से वाकई में खुश हैं। एंड जैसा टाटा बोलती है कि लाइक इंडिया टॉप मोस्ट SUVs में से एक आती है, तो क्या रियली में ये ऐसा है या रियलिटी कुछ और है, तो ये सब हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो चलते हैं सर कार में एंड देखते हैं क्या है। ओके, तो हरीश मतलब ये कार आपने कब परचेस करी और कितना टाइम हो गया आपको इस कार को परचेस किए हुए? हमने कार 1.5 ईयर बैक खरीदी है, मतलब सो अराउंड 1.5 साल पहले, मतलब 2020-21 के आसपास आपने कार ली। जुलाई 21 में कार ली। और अभी तक आप इस कार को कितना किलोमीटर चला चुके हैं? अराउंड 6,000। तो मोटा मोटा आपको एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा कि कार कैसा चल रही है और कितना कैसा परफॉर्म कर रही है। एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे काफ़ी। ओके, सो आप मतलब लाइक सिटीज आपका कैसा ड्राइविंग है, आप मतलब सिटी में ज़्यादा ड्राइव करते हैं या आप इसको कहीं लॉन्ग रूट पे भी ले जाते हैं? मोस्ट प्रोबब्ली लॉन्ग रूट के लिए ही ले हमने गाड़ी, और सिटी में जैसे घर की कोई ज़रूरत हो तो उसके लिए फिर चलते हैं। तो आप कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, और मतलब लाइक बड़ी फैमिली है आपकी, आप कितने फैमिली मेंबर्स? हमारी फैमिली छोटी है, मतलब हमारी क्या फैमिली इसमें फिट हो जाती है। और आपको जैसे लॉन्ग रूट आप लोग करते हैं तो नॉर्मली कितने लोग इसमें बैठते हैं, लाइक इस कार में? अराउंड 5। तो 5 लोग जब बैठते हैं तो आपको कंफर्टेबली कोई इशू तो नहीं होता कार से? नहीं, इसमें इवन आप 6 भी बैठ सकते हैं। 6 भी बैठ सकते हैं, मतलब नॉर्मल बिल्ड के आदमी लोग इसमें 4 लोग पीछे आप लोग बिठा लेते हैं। ओके, लोगों के लिए यूज में आती है। ओके, सो जैसे अब मैं बात करूं, जैसे आपने ये कार जब ली तो आप कोई और कार भी देख रहे थे इसके साथ साथ, या फिर लाइक? हमने काफी सारी गाड़ियां देखी उस टाइम पे, मतलब मैंने छोटी गाड़ियां भी देखी थी। ओके, जस्ट लाइक बलिनो, आपकी स्विफ्ट। ओके, और ब्रीजा भी देखी थी हमने। ओके, आपकी तो मतलब जब आपने इतनी कार्स देख ली, आपने ब्रेजा देख ली, आपने सोनेट देख ली, तो फिर नेक्सॉन को ही क्यों चूज किया आपने, मतलब टाटा में जाने का रीजन? सेफ्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी, सेकंड मेड इन इंडिया। ओके, सो अगर आप देखें तो ये मेड इन इंडिया कार है, और कहते हैं इस आई थिंक इसमें 5-स्टार रेटिंग है। ओके, सो मतलब सेफ्टी आपका पहला कंसर्न था कार चूज करते समय? अगर आप फैमिली के साथ चलते हो तो आपका सबसे पहला कंसर्न सेफ्टी होता है, और अगर आपकी रनिंग इतनी ज्यादा नहीं है तो आप सेफ्टी को फर्स्ट प्रेफर करेंगे, ना कि माइलेज को। अच्छा, जैसे आपने माइलेज की बात करी तो अब मैं पूछता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि आप कितनी माइलेज ले पा रहे हैं इस कार से? डिपेंड्स, अगर आप सिटी में है तो 8 से लेके 12 के बीच में कहीं भी आपको माइलेज मिलेगी, 8 से 12 ट्रैफिक। यस। ओके, और अगर आप हाईवे पे हैं तो आपको 14 से लेके 19 तक के बीच में, मतलब इसका मीटर शो करता है बट मे बी उससे थोड़ी कम ही हो, सो आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह के हाईवे पे चल रहे हैं। जहाँ आप जस्ट लाइक अगर आप जयपुर हाईवे पे चल रहे हैं जहाँ पे आपको ब्रेक का यूज कम है, क्लच का यूज कम है, तो आपकी एवरेज बिल्कुल अलग हो। तो गाइस जैसे मैं बताऊं यार, ये माइलेज का जो होता है ना, माइलेज काफ़ी चीज़ों में डिपेंड करती है कि माइलेज आपकी किस चीज़ पे निकल रही है, तो माइलेज के पीछे काफ़ी रीजंस है और माइलेज वेरी करती है। इसी कार में कई लोगों को 14-15 की माइलेज भी मिल रही है, एंड जैसे सर ने बताया कि इनको 8-12 की माइलेज आ रही है, तो ये माइलेज का जो है ये वेरी करता है बहुत सारी कंडीशंस पे, आप किस सिटी में रह रहे हो, आपके सिटी में क्या ट्रैफिक कंडीशंस है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं उस पर। अच्छा सर, अगर हम बात करें तो इस कार में क्या
पॉजिटिव चीजें जो आप बताना चाहोगे, लाइक अगर कोई ये कार कंसिडर करना चाहे तो क्या पॉजिटिव चीजें हैं जो इस कार की हैं? फर्स्ट सेफ्टी, सेकंड सीटें काफी कंफर्टेबल है, कंफर्ट है कार में, ओके सीट्स काफी कंफर्टेबल है, ऊपर से इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस काफी अच्छी है, आप कहीं भी जाए आप कहीं नहीं फंसेंगे, ओके सो इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस का कोई फायदा उठाया आपने कभी? जैसे कोई एग्जांपल अगर आप देना चाहो, जस्ट हम बीच में कहीं गए थे, ओके वहां आगे से रोड बंद था, ओके सो हमें साइड में एक आप कैसे कह सकते हैं डिवाइडर था या समथिंग लाइक दैट, गांव का इलाका था, ओके तो जो छोटी गाड़ियां थी वहां फंस जा रही थी, लेकिन हमारी गाड़ी बड़ी इजीली निकल गई थी वहां से। मतलब पूरे आप फॉर्च्यूनर वाले मजे ले रहे हो, मतलब नेक्सॉन के साथ फॉर्च्यूनर तो अलग ही एक मतलब पर फिर भी मतलब अगर आप हैचबैक कार्स में देखो, सेगमेंट में देखो तो 209 आई थिंक इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस है, और इतनी ग्राउंड क्लीयरेंस और किस इस सेगमेंट में और किसी कार में नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो आप पूरे मजे ले रहे हो मतलब इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस के। अच्छा अगर और कोई पॉजिटिव जो आपको लगता हो इस कार में, सस्पेंशन काफी लोग बोलते हैं कि गाड़ी का सस्पेंशन बहुत अच्छा है, तो उससे रिलेटेड आपको कोई सस्पेंशन अच्छा है कार का? वैसे कार का मैंने क्योंकि मैंने पढ़ा था इसका काफी अच्छा सस्पेंशन है और ऑलमोस्ट ठीक है, मुझे मैंने और गाड़ियों में बैठ के देखा है, जिस रोड पे और गाड़ियों में काफी मतलब आपको लगेगा कि डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, इसमें उतना नहीं होता डिस्कम्फर्ट। कार का स्टीयरिंग फीडबैक भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपकी गाड़ी जितनी आप स्पीड में चलाएंगे स्टीयरिंग उतना थोड़ा हैवीनेस आ जाती है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव चीज है जो कि हर कार में होनी चाहिए, एंड प्लस आप जितना इसको आइडल सिटी पोजीशन में उतना ये आपको लाइट फिट में लाइट भी मिलता है, मतलब आपको इतना वो नहीं होता कि आपको काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है स्टीयरिंग में, तो स्टीयरिंग फीडबैक इस कार का काफी अच्छा है। उसके अलावा अगर आपको लगता है इस कार में कोई नेगेटिव है, कोई नेगेटिव पॉइंट जो आप बताना चाहते हो इस वीडियो? जिसका रिस्पॉन्स काफी कम है, तो अगर आपको मतलब ये तो मस्ट चेंज है, अगर आप एक बेस मॉडल ले रहे हो तो इसकी लाइट्स आपको चेंज करानी ही पड़ेंगी। सेकंड आपका बेस मॉडल पे टाटा आपको कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं देता, ओके आपके होते हैं तो इसमें आपको कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं मिला? नहीं, ओके थर्ड आपका मतलब जो आपकी फिनिशिंग होती है वो काफी बेकार, मतलब मैं बेकार नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मतलब और कंपनी के मुकाबले जैसे आपकी किया और मारुति में जो फिनिशिंग होती है उसके मुकाबले उतनी अच्छी नहीं है, मतलब फिट एंड फिनिश का इशू है, पैनल गैप्स हैं कार में। हाँ गाइज वो बात सही बोल रही है, अगर कंपेयर करें हुंडई से या फिर स्कोडा से या फिर किसी और बाहर की कंपनीज की कार से, तो टाटा में फिट एंड फिनिश का इशू है। इसके अलावा कोई और पॉइंट? इंजन थोड़ा नॉइजी है, बिकॉज ये थ्री सिलेंडर इंजन है तो थोड़ा तो नॉइजी रहेगा ही रहेगा, तो वो इसमें होगा आपको फील होगा वो इंजन का नॉइज थोड़ा बहुत, बाकी छोटी मोटी तो आप मैं क्या बताऊँ आपको होती है थोड़ी मोटी, बट ठीक है आपको सेफ्टी मिल रही है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं, जैसे अगर आप कुछ भी चीज़ें देंगे हर चीज़ में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ज़रूर होता है। एग्जैक्टली जैसे गाइस मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती, हर कार में पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसी हिसाब से आपको कार चूज़ करनी होती है, तो कोई भी कार आपको परफेक्ट ही मिलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव आपको हर कार से मिलेंगे, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है। जैसे सर ने बताया उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक सेफेस्ट कार चाहिए थी, तो इसीलिए उन्होंने इस कार पे गए। तो अगर सर मैं बोलूं कि आप इस कार से कितना सेटिस्फाइड हैं या आप इन फ्यूचर और कभी टाटा की कार प्रेफर करेंगे लेना, और अगर आप अपग्रेड करते हैं इस कार से तो क्या आप फिर से टाटा में जाएंगे या फिर आप कोई और ब्रांड देखेंगे? देखिए ये सारा डिपेंड करता है टाइम के अकॉर्डिंग, चीज़ें चेंज होती हैं, मे बी हो सकता है कल की डेट में और भी इंडियन कंपनीज आए जो बहुत अच्छी कारें बनाएं, सो अभी के लिए तो मेरी ये गाड़ी है, इन फ्यूचर इट डिपेंड्स टोटली ऑन कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट टाटा, मतलब ओवरऑल अभी आप सेटिस्फाइड हैं इस कार्स के साथ या नहीं? हाँ मैं ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड हूँ, बट वही है कुछ सर्विसेज हैं अब वो आगे मैं देखूंगा, कुछ चीज़ें हैं मेरे को जो इम्प्रूवमेंट मतलब मुझे जो अपनी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक करवानी है, सर्विसेज से जैसे सर्विसेज से रिलेटेड है तो वो
वो मैं उस हिसाब से देख के आगे इम्प्रूव कराता हूँ एंड देन वी विल टॉक। तो जैसे आपने सर्विसेज की बात की, टाटा की सर्विसेज को लेके लोगों बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि टाटा की आफ्टर सेल सर्विसेज सही नहीं है, तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जिसमें आपको लगा हो कि टाटा की आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है? देखिए आफ्टर सेल सर्विस मैं बोलूँ, मैं यहाँ से कराता था मोती नगर से, ओके, वहाँ पर मुझे सेकेंड सर्विस में थोड़ा इशू आया है, आई एम नॉट सेइंग, बट वो उन्होंने देखा है और उन्होंने अपनी तरफ से रिजॉल्व करने की कोशिश करी है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% इम्प्रूव है जैसे आपकी बाकी टोयोटा और बाकी गाड़ियों की सर्विस होती है, बट टाटा में थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो आया है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% इम्प्रूवमेंट है, 100% इम्प्रूवमेंट नहीं है, okay. उसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि क्योंकि आपने इतनी गाड़ियाँ सेल कर चुके हैं और सर्विस सेंटर के ऊपर इतना प्रेशर है, ओके, आई थिंक कि आप अगर कहते हैं आपके एक सर्विस सेंटर सिर्फ कहते हैं 100 गाड़ियाँ हैंडल करता है, अगर उसके पास 150 गाड़ियाँ आएंगी तो यू नो कि वो किस तरीके से हैंडल करेंगे कुछ चीज़ों को, तो वो मे बी हो सकता है मिस कर जाए, ओके, क्योंकि आपको सर्विस सेंटर इम्प्रूव होते हैं आपको बढ़ाने पड़ेंगे इसके लिए, ओके। सो गाइस जैसे आपने देखा इनका जो टाटा नेक्सॉन के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है और ये आगे भी लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं कि वो नेक्सॉन की तरफ जा सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए ओनरशिप एक्सपीरियंस के साथ।